नमस्कार, स्वागत है आपका केकेआर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए शुरुआत करते हैं खबर। जबलपुर के गढ़ा पुलिस ने सट्टा खिलाने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से सट्टा लिखने वाले पट्टी और नगद राशि बरामद किया है। गढ़ा पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि गंगा सागर तालाब के पास बल्लू केवट नाम का व्यक्ति सट्टा खिला रहा है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर जब गंगा सागर तालाब की रेड की तो पुलिस को देखकर आरोपी बल्लू केवट मौके से फरार हो गया। पुलिस को मौके पर दूसरा शाहिद खान नाम का युवक मिला जो सट्टा खिला रहा था। पुलिस ने आरोपी शाहिद खान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 6,160 रुपए बरामद और सट्टा खिलाने की पट्टी बरामद की है। पुलिस का कहना है कि फरार बल्लू केवट पर गया थाने कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वही गढ़ा पुलिस उसकी तलाश कर रही है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि गंगा सागर तालाब के पास एक व्यक्ति सट्टा पट्टी लिख रहा। उस पर हम लोगों ने टीम गठित करके गंगा सागर तालाब पे रेड किया तो वहाँ पे बल्लू केवट नाम का व्यक्ति जो है वहाँ से फरार हो गया और वहाँ पे एक व्यक्ति सट्टा पट्टी लिखते मिला जिसका नाम शाहिद है। उसको पकड़ के थाने लेके आए और सट्टे की कार्रवाई की गई और फरार आरोपी बल्लू केवट की तलाश की जाती है। बल्लू केवट के पुराने रिकॉर्ड हैं सट्टे के, जो आरोपी पकड़ा गया है उसके क्या? उसके भी रिकॉर्ड हैं सट्टा पट्टी लिखने की। इसका पूरा बैकग्राउंड क्या है, क्या है? ये सट्टा पट्टी लिखता है। पूरा नाम क्या है? शाहिद खान। कहाँ का निवासी? ये अखबार के बारे का है, मदन महल थाना क्षेत्र का है। आपका क्या नाम है? प्रधान अक्षक अशोक यादव। पूरे सट्टे के फर में कितना पैसा बरामद किया? सट्टे के फर में 6,160 रुपए बरामद किया था। प्रधान अक्षक अशोक यादव। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।